चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक्स हैं चैप्टर 3 से पहले नंबर सिस्टम जो है हमने इस चैप्टर में रीड आउट करने हैं पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, बुक पेज नंबर 40 ओपन कीजिए। नंबर सिस्टम एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स। हमें पता है हमने कोई भी नंबर बनाना हो, आपको मैं एक बात से पहले एक बताऊं और कि जब आपके पास 0, 1, 2, 3 और 9 तक कोई भी वैल्यू होती है ये डिजिट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक लफ्ज़ होता है, तो हम उसको इन सेंस में कह सकते हैं कि ये डिजिट्स हैं। तो ये कितने डिजिट बनते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल ये 1 से लेकर 9 तक 9 बनेंगे और एक ज़ीरो मिला कर 10 डिजिट्स बनते हैं। और इन डिजिट्स को अगर हम किसी पॉसिबल वे में मिला दें, जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ से 1 ले रही हूँ, फिर मैं 0 ले रही हूँ, मैं 3 ले रही हूँ, फिर मैं 2 ले रही हूँ, जब इनको हम मिला के इनका कम्बिनेशन बनाते हैं, इन डिजिट्स का कम्बिनेशन वो नंबर्स बन जाते हैं। डिजिट एक होता है, नंबर्स एक से ज़्यादा होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है, वैल्यूज़ उनकी। तो इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि हम कोई भी नंबर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट और दैट इज़ 0 to 9, इनको मिलाकर। दीज नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमरल्स। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे तो आप न्यूमरल्स की डेफिनेशन लिख सकोगे। एंड देन अगर आप ये लिखो एंड दीज न्यूमरल्स आर नॉन एल्स अरेबिक न्यूमरल्स, इनको अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। एक डेफिनेशन ये अंडरलाइन कर लें, इन नंबर्स के बारे में ही इस बार हमने इस चैप्टर में रीड आउट करना है। अच्छा बेटा, अब जो इससे आगे वाली डेफिनेशंस हैं वो तो इनसे रिलेटेड जो बाकी डेफिनेशन है वो पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़ा इजी लगेगा फिर इनको समझना डेफिनेशंस को, ठीक है, बेसिक्स है वैसे तो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कन्वर्ट इन टू द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम में चेंज कर। डेसिमल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो नंबर है ये बेस सिस्टम में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। बेस का मतलब होता है नीचे लिखी हुई ये वैल्यू, जो इंडेक्स में लिखी, ये यहाँ पर बेस वैल्यू, इसको हम बेस कहेंगे इस सेंस में, इन क्वेश्चन की सेंस में। बेस आपके पास क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम 2 बेस लिखी हुई है इसके नीचे, तो 2 बेस को बाइनरी कहते हैं, यानी बाइनरी कहेंगे कि बाइनरी बेस है, तो आपको पता चल जाएगा नेम से कि बाइनरी का मतलब है कि उस क्वेश्चन के नीचे बेस 2 होगी, ठीक है। ये बाइनरी का मीनिंग मैंने आपको बता दी, इसकी डेफिनेशन भी बाद में रीड आउट करते हैं। अब उन्होंने कहा है इसको डेसिमल सिस्टम में चेंज करें। डेसिमल सिस्टम का मतलब आप ये ले लो कि इसको सिंपल, जैसे हमारे पास आम नंबर्स नहीं होते, आपने उसको उसमें चेंज करना है। तो हम पहले इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, सबसे पहले आपके पास जो पहली वैल्यू लिखी होगी आपने उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद तो 1 सबसे पहले लिख लिया, 1 के बाद आपने डालना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डाल के जो नीचे बेस लिखी होगी वो लिख देनी है, फिर डाला प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस, 1 के बाद क्या है 0 मल्टीप्लाई बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस। हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जिस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है और मल्टीप्लाई बेस से कर देना है, प्लस सेकंड वैल्यू लिखनी है मल्टीप्लाई बेस से कर देना है, प्लस थर्ड वैल्यू लिखनी है मल्टीप्लाई बेस से कर देना है। जितनी वैल्यूज भी यहाँ दी होंगी, चाहे 10 दी हों, 100 दी हों, आपने इनको ऐसे लिखते जाना है और उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक स्टेप ये हो गया। देन अब इसके बाद क्या करना है, आप देखें ये टोटल कितने डिजिट थे, 1, 2, 3 तीन डिजिट थे, 3 में से एक कम करना है, यानी जितने भी डिजिट होंगे उनमें से एक कम करना है, कितने आगे 2। तो आपने यहाँ से 2 से काउंटिंग शुरू कर देनी, इसकी पावर बनानी है 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 0। तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी तो फिर समझ आएगी, पहले फिर बता रही हूँ। 1 लिखा मल्टीप्लाई बेस, 0 लिखा मल्टीप्लाई बेस, 1 लिखा मल्टीप्लाई बेस। अब इनकी पावर्स कैसे लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेना, जितने हुआ करेंगे उससे एक कम करके इसकी पावर लिखनी शुरू कर देनी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने वक्त मल्टीप्लाई नहीं करते होते, सबसे पहले देखते हैं जो पावर है उसको सॉल्व करते हैं।
जो आंसर आता है फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। टू की पार्ट टू, टू रेस टू द पार्ट टू का मतलब है कि टू टू टाइम्स है, टू टू टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, टू टू जर फोर आ गया, ये वन वैसे लिखा। टू की पार वन का मतलब टू वन टाइम है, तो टू वन टाइम क्या होता है, टू ही होता है, तो टू ही रह गया। अच्छा, ये वाली बात थोड़ी सी नोट करने वाली है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉ का हम बार बार जिक्र करते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल होते हैं, कुछ पावर वाले रूल होते हैं। अगर किसी वैल्यू के ऊपर ज़ीरो आ जाए, कोई भी वैल्यू लिखी हो, ये ए मैंने जर्नल लिया होता है, तो उसका आंसर हमेशा वन होता है। ये साइड पे आपने नोट कर लेनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके पास बेटा एक वैल्यू है, यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास एक वैल्यू है टू, उसके ऊपर पावर लिखी है ज़ीरो, तो इसका मतलब उसका आंसर वन। आपके पास है थ्री, उसके ऊपर पावर लिखी है ज़ीरो, उसका आंसर भी है वन। आपके पास लिखा है 10,000, उसकी पावर लिखी है ज़ीरो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ भी कर लिया। अब यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन जब तक एक वैल्यू होती है तो क्योंकि एक के ऊपर पावर नहीं होती, इसलिए वो हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब ऐसे बड़ी वैल्यू आ जाती है तो फिर हम ब्रैकेट का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हम ब्रैकेट का यूज़ ना करें तो वो फिर थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है, नहीं भी करेंगे तो ठीक है। थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, जिसके ऊपर भी पार ज़ीरो आ जाए उसका मतलब उसका आंसर वन ही होगा। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉ है, ठीक है। तो इसका मतलब टू रेज टू दी पार ज़ीरो का मतलब होगा वन। अब देख लें, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 4 4, 0 × 2, ज़ीरो का टेबल रीड कर रहे हैं, समझे हम। ज़ीरो को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही आता है। 1 1 0 1, इनको ऐड कर लेते हैं, 4 + 0 = 4 + 1 = 5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। हमने इसको डेसिमल सिस्टम में कर दिया आपके इस सिस्टम से, ठीक है, बेस सिस्टम से। ये बेस में क्वेश्चन था तो ये बेस सिस्टम था, अब ये डेसिमल सिस्टम में चेंज हो गया। वो क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्ट दिस बेस सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द डेसिमल सिस्टम, यानी वो क्वेश्चन जैसे भी दें आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा एक आधा पार्ट और मैं करवा देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं तो बड़े इजी रहेंगे आपके लिए। एक पार्ट नंबर 6 करवाती हूँ, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट की वजह से वो लेंथी लग रहा है, जबकि है बहुत इजी ये क्वेश्चन। बिल्कुल वही काम, क्या, फर्स्ट लिखा मल्टीप्लाई डाल के बेस डाली, सेकेंड लिखा मल्टीप्लाई डाल के बेस डाली, थर्ड लिखा मल्टीप्लाई डाल के बेस डाली, फोर्थ लिखा मल्टीप्लाई डाल के बेस डाली, फिफ्थ बेस ज़ीरो डाल दिया था, वन ये था, वन ज़ीरो, ये वन लिख रहे हैं मल्टीप्लाई डाल के बेस, ये एडिशन है। कहाँ तक पहुँच गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वन डालना है मल्टीप्लाई डाल के बेस, ज़ीरो डालना है मल्टीप्लाई डाल के बेस, ज़ीरो डालना है मल्टीप्लाई डाल के बेस। ये देखें, मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, जो ऊपर स्टेप किया था वही हमने रिपीट कर दिए। वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डाल के बेस जो भी दी हो। यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन, बल्कि ये वाला पार्ट जो है वो बेस टू के साथ है, एक पार्ट मैं आपको और करवा दूँगी जो बेस टू के अलावा किसी और के साथ है, यानी बाइनरी बेस के साथ है ये। अच्छा जी, अब हम पहले क्या करते हैं, हमने इसकी पावर लिखनी, कितनी वैल्यूज हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 से एक छोटा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 9 8। इस बेस के ऊपर पावर लिखनी शुरू होती है, इससे वैल्यू पे नहीं लिखनी, बेस के ऊपर पावर लिखना शुरू कर देनी और छोटी करनी है, 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। हमने क्या किया, अब इनको ओपन कर लेते हैं। 2 को 9 टाइम्स ओपन करना है, 2 को 8 टाइम्स ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 टाइम, 2 को 6 टाइम, 2 को 5 टाइम, इस तरह से। हम ज़रा लास्ट से करना शुरू कर देते हैं ना, ताकि वो ज़रा इजी हो जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी तो आंसर आ जाएगा। किसी की पावर भी 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो वैसे तो शुरू से भी कर सकते हैं, मैं शुरू से ही करते हैं, लेकिन वो चूँकि जब हम करते जाएंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप इनके आंसर मिलते जाएंगे, तो वो हम पुट करते रहेंगे तो लास्ट तक जाते थे, फिर हमें उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसी का और भी 0 हो तो 1 आ जाता है, 1 × 0 हो जाएगा, ये 2 × 0 हो जाएगा, 2 2s are 4 × 1 हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2, 8 हो जाएगा, 8, ये देखें ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स करना था, यानी 8 को दोबारा 2 से करेंगे, यानी इसलिए मैं बैक से चल रही हूँ ताकि वो आंसर आ जाए, यानी 16 आ गया, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें,
यानी हमने बजाए ऐसे कि टू को फाइव टाइम्स करें, हमने पीछे वाले में टू को फोर टाइम्स तो किया हुआ है, तो जो फोर टाइम्स वाला आंसर है उसको एक बार और टू से करेंगे तो फाइव टाइम्स वाला आंसर आएगा, जो फाइव टाइम वाला आंसर आएगा उसको दोबारा टू से करेंगे तो सिक्स वाला आ जाएगा। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो पहले आपको नाइन टाइम्स अलग करना पड़ेगा, फिर आपको एट टाइम्स करना पड़ेगा, फिर आपको सेवन टाइम करना पड़ेगा, आप अलग अलग करोगे सबके लिए। तो बजाय इसके आप छोटे से जब शुरू करोगे ना, सिर्फ स्पेसिफिक इस पार्ट के लिए मैं कह रही हूँ, ईजी रहेगा, टाइम बचेगा आपका। तो 16 को जब 2 से करेंगे तो 32 आता है। ये मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी, मैंने थोड़ा तंग लिखा है, आपने खुला खुला लिखना है, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगे। 32 को 2 टाइम्स करेंगे, जो पिछले वाले कहाँ से उसको 2 टाइम किया, 64 आता है। 64 को दोबारा 2 से करेंगे तो 64 को 2 से करके देख लेते हैं, ओ सॉरी 64 को 2 से 128 आता है मल्टीप्लाई, फिर इसको 2 से करना है क्योंकि 8 टाइम्स करना है, 256 आता है, और दोबारा इसको 2 से करें 512 आता है मल्टीप्लाई 1। अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इससे किया तो 512, इसको 0 से किया तो 0, इसको 128 से 1000 किया तो 164, 1064, 032 जार 0, 116 जार 16, 08 जार 0, 14 जार 4, 02 जार 0, 01 जार 0। अब बड़े आंसर छोटे आ गए, अब आपने क्या करना है, इन जीरो को चाहे ना लिखें, आप इनको ऐड करना, 512 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 16 आंसर एक आता जाए, इसको अगले वाले में ऐड करें प्लस 4, जो सबको ऐड करेंगे वो आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, वो ऐड आप लोगों ने खुद का लेना। तो ये पार्ट है बेटा ऐसे, एक पार्ट मैं आपको और करवा देती हूँ जिसमें बेस चेंज है, ये बाइनरी बेस है, जिस क्वेश्चन की भी बेस 2 होगी उसको हम बाइनरी बेस कहेंगे। अब आगे जैसे एक क्वेश्चन ये है, पार्ट नंबर सेकंड करवा रही हूँ मैं आपको, इसकी बेस है जी 5, ठीक है, जब आपके पास 5 बेस होगी तो हम उसको सिंपली 5/5 बेस ही कहते हैं, उसका कोई ऐसा सच नेम नहीं है आपके पास, जैसे 2 को बाइनरी कहते हैं, 5th को 5th बेस के साथ ही कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसको ओपन करते हैं, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस, अब इधर बेस 5 है प्लस, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस, तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस, फोर्थ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस, आगे ख़त्म होगी, 4 वैल्यूज थी, 1, 2, 3, 4 ही। अब कितनी वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज, 4 से एक कम करें 3, 3, 2, 1, 0। ये बात ख्याल रखने वाली होती है कि जब हम एंड तक जाओ तो वो जीरो बननी चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि आपने सही तरतीब शुरू की है। अब 5 को 3 टाइम्स करें, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 हज़ार 25, 25 5 हज़ार 125। आपको नहीं आता तो आप अपने हाथ से रफ वर्क में करके देख लीजिएगा, 5 5 हज़ार 25, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रहा, अगर आपको 5 को 1 हज़ार करें तो 5 ही आता है, 5 की पावर 0 मतलब 1। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 250, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 4 5 ज़ार 20, 4 1 ज़ार 4, इक्वल लाजमी डालना, इनको ऐड कर लें 274 आ गया, इन तीनों को ऐड कर लिया, 50 प्लस 20 70 और 74, तो ये हमारा आंसर है। अब बेटा ये हो गया हमारा, ये एक और बेस को मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी सपोज एक पार्ट और है आपके पास, इसका लास्ट वन पार्ट, बल्कि नहीं फिफ्थ वन पार्ट है, इसके नीचे बेस डाली है 8, तो कोई नहीं 8 बेस के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बस डिफरेंस इतना है इस 8 बेस को ओक्टल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नेम ओक्टल है, और ये इसका, इस बेस का नेम क्या था, 2 वाली बेस का नेम क्या था आपके पास, बाइनरी, ये आपको डेफिनेशन मैं अभी करवाऊँगी, ठीक है। तो जो मैं भी नेटवर्क करवाती हूँ, जैसे ये वाला और ये वाला, ये आपने नेटवर्क पे नोट करना है, जो रफ वर्क होता है ना वो आप साइड पे लिखते जा करें, स्पेशली जो मैं लॉ लिखवाती हूँ वो लाजमी पेन से मेंशन किया करें, बाद में याद रहेगा, ठीक है। या इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो साइड पे पेन से या पेंसिल से या उस वैल्यू को ऐसे अंडरलाइन कर ले करके तो लिख दिया करें, जैसे मैंने इसको लिखा ये ऑक्टल है, आप ऐसे ब्रैकेट ऐसे एरो डाल देंगे, ये इसको इसका नेम दिया हुआ, तो कोई हर्ज नहीं होता, आप नीट पर भी ऐसे कर सकते हो, नोट बना के ना साइड पे हेडिंग देके तो ऐसे लिखा करें। फर्स्ट क्वेश्चन, अब बाकी आप लोगों ने सारा कंप्लीट कर लेना, ऐसा ही है मोस्टली, मैंने कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करवा दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम, अगर आप बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें और उसको बुक से भी क्वेश्चन रीड करें,
उसमें उसने पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि डेसिमल सिस्टम में चेंज करो बेस सिस्टम को, अब उसमें इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम, यानी क्वेश्चन आपको सिंपल दिया हुआ है डेसिमल सिस्टम वाला, सिंपल हो तो वो डेसिमल सिस्टम है, पहले कह रहा था बेस को डेसिमल में करो, अब डेसिमल को बेस में करना है, यानी उल्टा क्वेश्चन दिया है और डिफरेंट इसके पार्ट्स दिए हैं आपको, फाइव पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ, उसने अब कहा है ये सिंपल डेसिमल सिस्टम है, अब इसको बेस सिस्टम में करो, कौन सी बेस, हमने तीन बेसिस पढ़ी हैं, एक टू पढ़ी, एक फाइव पढ़ी, एक एट पढ़ी, उसने कहा इसको बाइनरी में भी करो, इसको ऑक्टल में भी करो और इसको बेस फाइव में भी करो, यानी तीनों में अलग अलग करना है, समझे, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तीन पार्ट्स बना के, तो हमने जब ऐसे करना होता है कि जब आपने डेसिमल को बेस में चेंज करना है, यानी आपको मैं यहाँ लिख दूँ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल से बेस में जा रहे हैं, बेस सिस्टम में, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हम बेस सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में गए थे, आप चाहें तो सिस्टम का वर्ड भी ये आप लिख लें तो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया, सेकंड क्वेश्चन में हम ये कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम में जाने के लिए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लिया, किस बेस में करना है, बाइनरी में कॉमा ऑक्टल में भी कॉमा बेस फाइव में भी, तो पहले बाइनरी में कर लेते हैं, इसके लिए आप ऐसे लाइन लगाओगे और बाइनरी का मतलब है टू लिख लोगे, टू लिख लिया इसका मतलब है कि इसको इस पर डिवाइड करना है और टू पर ही करना है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है बाइनरी पर ही करें, फिर ऑक्टल पर करेंगे इसी तरह से, ऐसे यहाँ पर लिख के इसी क्वेश्चन को, फिर किस पे करना है, फिर इसी क्वेश्चन को फाइव पे करना है, ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा, तो पहले इसको करते हैं, इसका टेबल पढ़े, टू वन जार टू, टू वन जार टू, करीब करीब जाना होता है, कितने बचे, वन, ये बन गया टेन, टू फाइव जार टेन, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, देखिए टू थ्री जार सिक्स, इससे बड़ा हो जाए टू टू जार फोर, अब आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि आगे तो वैल्यू ख़त्म हो गई है, लेकिन इसमें से कितना बचा हुआ है अभी, फाइव में से फोर आ गए तो टू टू जार फोर आया, वन बचा, आपने लिख देना है ये वन बचा, ऐसे लाइन लगा के, जो बच रहा हो अगर तो कुछ नहीं बचेगा तो लाइन लगा के ज़ीरो लिख देना है, अगर एक दो तीन चार जितने भी बच रहे होंगे तो आपने वो ऐसे डैश लगा के यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है, और ये वाली बात भी नोट करने की कि जिस पर डिवाइड कर रहे होंगे उससे ज़्यादा नहीं बचेंगे, यानी यहाँ तो ज़ीरो बच सकता है या वन बच सकता है या टू बच सकता है, टू से बड़ा नहीं बचेगा क्योंकि टू पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बचता होता तो वो डिवाइड कर लेते हम, छोटा होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा, फिर दोबारा टू पे करना है, टू पर ही इसको डिवाइड करना है, अब देखिए पहली वैल्यू तो टू में वन तो आता नहीं, दो लेनी पड़ेंगी, टू सेवन जार फोर्टीन, वन बचा इलेवन बन गया, टू फाइव जार टेन, करीब करीब गए टेन में से एक निकाला इलेवन हो गया, टू सिक्स जार ट्वेल्व, पूरा पूरा हो गया, कितने बच गए, ज़ीरो, इस स्टेप में ज़ीरो बचे, फिर टू पे किया, टू पे ही करना है बाइनरी का मतलब, एक वैल्यू हुई बड़ी है तो एक को ही लेंगे, दो को लेने की ज़रूरत नहीं, टू थ्री जार सिक्स, करीब करीब गए सिक्स सेवन में से वन बचा, टू सेवन जार फोर्टीन, वन बचा टू एट जार सिक्सटीन, फिर कुछ नहीं बचा क्योंकि सिक्सटीन पूरे का पूरा आ गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, टू वन जार टू, एक बचा टू एट जार सिक्सटीन, फिर वन बचा टू नाइन जार एटीन, फिर ज़ीरो लगा दिया, फिर टू पे डिवाइड करेंगे, वन एक पहली वैल्यू उससे छोटी इसलिए दो को कंसीडर करेंगे, टू नाइन जार एटीन, कुछ नहीं बचा ये आएगा टू फोर जार एट, क्योंकि टू फाइव जार टेन हो जाएगा इससे बड़ा, उससे हमने एक छोटी रखनी है, तो टू फोर जार एट, एक बचा तो हम कहेंगे एक बच गया स्टेप में, टू फोर जार एट, टू सेवन जार फोर्टीन, ज़ीरो बचा, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, फिर वन बच गया, टू वन जार टू, टू वन जार टू, वन बच गया, टू फाइव जार टेन, वन बच गया, यानी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी हद तक जाना है उस टेबल को लेकर, टू टू जार फोर, वन बच गया, टू वन जार टू, ज़ीरो बच गया, यानी लास्ट पे आपने वन तक यानी ख़त्म करना है उस क्वेश्चन को, अब आपने बिल्कुल यही काम अपने पे ये लिख लिया, अब आपने लास्ट पे इसको मतलब क्वेश्चन तो आपने यानी एक स्टेप तो इसका कर लिया, अब आपने इसको राइट कैसे करना है, या पहले मैं आपको सबको डिवाइड करवा के देती, इसको करना है एट पर डिवाइड, एट के टेबल पर, पहली वाली छोटी है दो को लेंगे, टू का डबल पढ़ेंगे थर्टी के करीब करीब आ जाए, एट वन जार एट टू सिक्सटीन जीरो ट्वेंटी फोर, एट थ्री जार ट्वेंटी फोर, एट फोर जार थर्टी टू होना है वो बड़ा हो जाएगा, ट्वेंटी फोर कितने बजे थर्टी में से सिक्स, सिक्स इधर लगा दिए बन गए सिक्सटी टू, तो एट का डबल पढ़ेंगे सिक्सटी टू के बिल्कुल करीब करीब आ जाए, एट फाइव जार फोर्टी सिक्स जार फोर्टी एट, एट सेवन, एट सेवन जार फिफ्टी सिक्स, एट एट जार सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर आ जाएगा बड़ा,
तो 8 7 56 आ गई, 62 56 के बाद कितने बचे, 57 58 59 60 61 62 तक 6 बन रहे हैं, मीन्स 6 फिर हमारे पास कैरी आया और ये बन गया 65, तो 8 8 64 एक बच गया। फिर वही काम रिपीट करेंगे, 8 1 8 फिर 8 का 1 वैल्यू छोटी है तो 2 लेंगे, 1 8 16 24 8 4 32 32 33 34 35 36 37 5 बचे 5 इधर, 8 5 40 6 48 8 7 56 7 56 तो 2 बचे तो 2 इधर आ गए, 8 5 40 7 बच गए। अब देखें अब आगे क्यों नहीं जाएंगे, अब मैं अगर यहाँ 8 लिखूँ तो ये तो वैल्यू 8 से क्या है छोटी और आगे भी नहीं कुछ है, तो हम यहीं तक ख़त्म कर देंगे। जब ये आंसर जो आ रहे हैं, ये नीचे जो आंसर, ये जो नीचे आंसर आ रहे होते हैं वो इससे छोटे हो जाए, फिर वहाँ डिवाइड करना ख़त्म कर देंगे, डिवाइड का तो यही रूल होता है। अब बिल्कुल यही हम 5 पे करते हैं, 5 6 30 और साइड में आएगा 5 5 25। मैंने आपको कहा था जब लास्ट पे दो वैल्यूज इकट्ठी हो रही हों तो इसका मतलब दरमियान में ज़ीरो आता होता है, या आपने डिवाइड करके भी देख लेना है। जब ऐसे कभी ज़ीरो आ रहा हो दरमियान और लास्ट पे दो वैल्यूज़ आ रही हों, तो मैंने आपको कहा था आपको नहीं पता चल रहा, आप इस वैल्यू को अंदर रखो और बाहर डिवाइड कर लो, तो 5 6 30 नीचे क्या बचा आपके पास, ज़ीरो। आपने 2 उतारा लेकिन 2 तो इससे छोटा है, आपने अगली वैल्यू भी उतारी, तो जब दो वैल्यू इकट्ठी उतारते हैं तो ऊपर ज़ीरो आता होता है और फिर 5 5 25 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस तरह की वैल्यू को देख लेनी है, जब दो वैल्यूज़ को इकट्ठा डिवाइड कर रहे हो तो देख लेना कहीं दरमियान में ज़ीरो तो नहीं आ रहा, तो वो ऐसे डिवाइड करके कन्फर्म कर लेना, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में तो ऐसा नहीं हुई बात, इसमें ही ऐसी बात हुई है, 5 1 5 एक बचा, 5 2 10 अच्छा इसमें से कितने बचे थे, 0 बच गया था, 5 2 10 5 1 5 इसमें से भी 0 बचा, 5 2 10 5 4 20 एंड 0 5 4 20 एंड 4 और ये कब 0, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू हो गई है, आप इससे आगे डिवाइड फिर नहीं करोगे। नेक्स्ट सेम ही, अब तीनों वैल्यूज़ को बेटा हमने डिवाइड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इनको राइट करना है इनके आंसर में। फर्स्टली हमने 2 को डिवाइड किया था, तो इसको राइट आप कैसे करते हो, आपने इसके आंसर्स लिख लेने, आंसर आपके पास क्या है यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 ये आपने सीक्वेंस से लिख लेना, 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 ये सारे इस सीक्वेंस से आप लिखोगे। और किस बेस के साथ डिवाइड किया था हमने, 2 के साथ, तो हमने ऐसे लिख देना है कि हमारे पास ये क्वेश्चन था और हमने अपने डेसिमल सिस्टम को बेस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था और इसमें चेंज करते थे, अब इसमें ये क्वेश्चन है और हमने इसमें चेंज कर लिया। इसको भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आया, 5 7 2 1 विद द बेस 8 और लास्ट वन आपके पास क्या आया, इसको भी ऐसे राइट कर लें अगर कि 4 4 0 0 0 विद द बेस 5। तो क्वेश्चन के साथ लिख के यहाँ पर आपने लिखना भी है 3025 और यहाँ पर भी 3025। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है। इसके दोनों पार्ट्स बाकी जो हैं वो आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं, एक पार्ट नंबर, सारे पार्ट ही इसके सेम है, कोशिश करिएगा कल मैं एक और पार्ट करवा दूँगी, स्पेशली पार्ट नंबर 4 कर लेना है और पार्ट नंबर 5 कर लेना है, बाकी पार्ट नंबर 2 और 3 अगर नहीं होंगे तो वो हम कल कर लेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।